सी यू निमरीत, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कुछ कहना चाहोगी इतने करीब आके फिनाले के निकल जाना? हाउ इज योर फीलिंग? ऑनेस्टली लाइक सबसे पहले तो हाय, आई फील सो गुड टू सी ऑल योर फेसेस, इट्स बिन सो लॉन्ग. बहुत टाइम था यार, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सालों बाद बाहर निकली हूँ. ठीक है, आई थिंक आई हैव मेड माई पीस विद इट. अब तो ऐसा नहीं है कि तब भी आई डेंट मेक माई पीस विद इट, बट जेन्युइनली लाइक हैड इट बिन एन एंटायर पैन इंडिया वोटिंग हैपनिंग और फिर ऐसा होता जो मुझे पता है कि तब ऐसा नहीं होता, तो शायद सेंटिमेंट बहुत डिफरेंट होता. बट आई थिंक एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव स्ट्राइड एंड आई फील कि हम उस वक्त उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते, बट जो चीज़ें हमारे लिए परफेक्ट होती है वो लाइफ में वैसी ही होती हैं. सो नो हार्ड फीलिंग्स देयर. घर के बाहर आने के बाद क्या कुछ मिस कर रहे हैं आप? क्योंकि स्टार्टिंग तो हम देखते थे जब भी शुरुआत होती थी तो लाइक बिग बॉस हैंडसम से होती थी. हैंडसम का गुणगान और चाहो हाँ, एक्चुअली बाहर आने के बाद सबसे पहले मैं सुबुल से मिली थी, तो हम लोगों ने यू नो व्हाइल वी वर चिलिंग ऑन द फर्स्ट डे दैट आई गॉट आउट वी वर सिंगिंग द एंथम. बट आई थिंक जो मिस करूँगी, लकीली फॉर मी आई फील कि शायद मैं अगर बहुत पहले बाहर आई होती तो ऐसा एक फीलिंग होता कि शिट मैन आई मिस दिस आई मिस दैट. बट ऐसा मिस जैसी फीलिंग नहीं हो रही है, बिकॉज मुझे लगता है कि मैंने हर एक मोमेंट जो पॉसिबली वहाँ जी सकते थे वो सब एक्सपीरियंस कर लिया. सो आई एम वेरी यू नो ग्रेटफुल फॉर दैट. एंड मिस नहीं कहूँगी, बट ये बोलूँगी कि हाँ, मेमोरीज जो लाइफ टाइम के लिए बनी है वो हमेशा एकदम एच्ड रहेंगी, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है विच ऑब्वियसली आई नेवर फॉरगेट. एंड थैंक्स टू दिस एक्सपीरियंस मुझे कुछ बहुत अच्छे दोस्त भी मिले जिन्हें मैं यू नो फ्यूचर में अपनी रियल लाइफ में भी उनको यू नो उन रिश्तों को मैं संजो के रखना चाहूँगी और उनको आगे अपनी ज़िंदगी में लेके जाना चाहूँगी. कौन से ऐसे रिश्ते होंगे? मंडली किसके साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ. मंडली आपकी एक अलग ग्रुप है और बाकी भी और भी लोग हैं मंडली में, तो कुछ लोग थे लेकिन कुछ लोग तो अभी भी अपना अलग ही खेल रहे थे. ओके, सबसे पहले तो आपका एक मिसकंसेप्शन और एक बबल पॉप करना चाहूँगी मैं कि हर कोई हर किसी के साथ खेलता है. आप जब 16 लोग होते हो तो ऐसा इनवेरेबली हो जाता है. आई एम श्योर आपके साथ भी होता होगा, आप अपने ऑफिस में आपकी टीम में बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग होते हैं, लेकिन शायद 3 लोग या 4 लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप कनेक्ट करते हो. इसका मतलब ये नहीं कि ऑफिस में आप सब लोग साथ में नहीं खेल रहे हो, आप खेल रहे हो और अपना काम भी साथ में कर रहे हो, लेकिन फ्रेंडशिप एक अलग चीज़ होती है. तो आई थिंक इट्स रियली बैडली यू नो इट्स मिसकंस्ट्रूड कि खेलना नहीं खेलना. मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो अलग अलग कोनों में बैठते थे और शो करते थे कि हमारे मुद्दे हमारे खुद के एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन नॉमिनेशंस वो लोग साथ में डिस्कस करके करते थे. तो दैट एक्चुअली इज कॉल्ड खेलना. जबकि अगर आप मंडली की कभी भी नॉमिनेशंस की प्रक्रिया उठा के देखना, आपको दिखेगा कि हर इंसान ने अपने पर्सपेक्टिव से लोगों को वोट किया है. You know, especially towards the end, it became so prominent that if I have a problem with 1 person or 2 person, और शिव को या स्टैंड को उन लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके वोट कभी इधर नहीं होते थे. मतलब कभी ऐसा नहीं होता था कि वो हम सब ग्रुप में ऐसे लाइक अब दूड से दैट यू नो वी वुड नॉट फायर बुलेट्स लाइक दैट. सो अगर साथ बैठना 24 घंटे में, आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल कि आप बस एक दूसरे की बुराइयाँ करो या सिर्फ टास्क के बारे में डिस्कस करो. ऑब्वियसली बात है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बातें करनी है अपनी लाइफ के बारे में, दूसरों की लाइफ के बारे में. यू नो दिस सच अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स टू डिस्कस इन द वर्ल्ड दैट द रिलेटेबिलिटी ऑफ द मंडली केम फ्रॉम दैट कि हम 4 लोग इस घर के अलावा भी अच्छी कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं. सो दैट घर के बाहर आने के बाद आपने तो बहुत से एपिसोड्स देखे होंगे, बहुत सारी चीजें एक भी नहीं देखा ब्रो. फ्रेंड्स या मॉम डैड से पता था? हाँ, चीजें पता चली फॉर श्योर. या कौन सी बातें आपको खराब लगी जो नहीं होनी चाहिए थी और हुई है? क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा है कि प्रेस मीट में भी जब उन 5 लोगों से बात की गई तो स्टैंड की भी कुछ कुछ बातें प्रियंका को पता चली कि उनके फेस के रिलेटेड वो बोल रहे थे. ऐसे कुछ बातें हैं जो आपको पता चली और बुरा लगा कि आपने होप नहीं किया था कि ये इंसान आपके बारे में ऐसा? नहीं, मेरी ऐसे इनमें से किसी से भी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो मेरी जर्नी रही अंदर और जो मेरे मुंह पे भी इतनी सारी चीज़ें बोली हैं, सो आई एम नो लॉन्गर लाइक इन अ शॉक स्पेस कि वो अच्छा ऐसा हुआ था. लाइक आई हैव गॉट टू नो थिंग्स बट आई डोंट थिंक दैट दे आर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, क्योंकि मुझे लगता है कि बिग बॉस एक 4.5 महीनों की जर्नी थी. एंड आई फील कि यू नो बहुत सारे लोग बाहर आकर भी एक दूसरे की और भी बैशिंग कर रहे हैं, विच इज़ वेरी अपसर्ड.
बिकॉज 4.5 महीने हमने सिर्फ एक दूसरे की जिल्लत करी है ब्रो, कीचड़ उछाल रहे हैं, कचरा डाल रहे हैं, तुम अंगार, ये भंगार, व्हाट इज दिस मैन, लाइक हम सब एट द एंड ऑफ द डे इंसान ही हैं. एंड आई थिंक कि उस बिग बॉस के जज्बे को अभी थोड़ा सा काम डाउन होना चाहिए, बिकॉज वी आर बैक टू रियलिटी. ऑफकोर्स अगर एक शो का फॉर्मेट ऐसा है दैट यू नो यू नीड टू वॉइस आउट योर ओपिनियन, ऑफकोर्स हर कोई इंसान सी आप लोगों को नहीं बदल सकते हो, और डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी बोली गई हैं जो मैंने अप्रिशिएट नहीं करी, लाइक मेकिंग फन ऑफ समबडीज बॉडी, समबडीज फेस, समबडीज डिप्रेशन, एनजाइटी, लो फेजेस, दैट्स नॉट कूल. बट फिर भी ये कॉन्वर्सेशन हुई हैं, बट आई टेक इट इन अ स्ट्राइड कि ये उन पर रिफ्लेक्ट करता है और ये उनकी सोच, उनकी मेंटालिटी दिखाते हैं, ना कि मेरी. तो मुझे कोई जरूरत नहीं अपने आप को डिफेंड करने की, एंड द वर्ल्ड इज सीइंग, सो इट्स चिल. क्या आपके लिए शॉकिंग था वैसे? जस्ट क्यूरियस. अगर आप घर में होते तो कौन डिजर्व करता था आपके अलावा घर से निकलने के? सी कौन डिजर्व करता था, कौन नहीं करता था, आई एम नो वन टू इवन से दैट, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत इजी होता बोलना, अरे तुम तो डिजर्व नहीं करते, तुम्हें क्यों मिली है ये नौकरी, या तुम ये गाड़ी में घूम रहे हो, अरे हू द हेल एम आई टू डिसाइड एनीथिंग. आई नो व्हाट आई डिजर्व बिकॉज आई नो व्हाट इज द एफर्ट दैट आई पुट इन, या मैं क्या मेहनत करती हूँ. बट कौन क्या डिजर्व करता है, आई एम नो वन टू से दैट. सबकी अपनी किस्मत होती है. एक शो के रनर्स का भी एक कॉल होता है, एक पर्सपेक्टिव होता है, एक सोच होता है, सो आई टोटली रिस्पेक्ट दैट. बट आई डू नो कि अगर वोटिंग के आधार पे होता, मैं अपना बता सकती हूँ कि अगर पैन इंडिया वोटिंग के हिसाब से होता तो मैं घर के अंदर होती, एंड दैट आई आल्सो नो एंड यू आल्सो नो, एंड दैट्स ओके. बट फिर भी नम्रित, आपके कुछ फ्रेंड्स से जब हमने बात की, से टीना से भी बात की, तो उनसे भी किससे बात करी? टीना से भी बात. हाँ, फ्रेंड्स, आई लव द वर्ड, यू नो यू गाइस थ्रो फ्रेंड सच अ कैजुअली, ओ सच अ फ्रेंड. No, I think please, like I would say colleague, I would not say friends, because दोस्ती एक बहुत ही गहरा शब्द है जो हम इतनी कैजुअली ऐसे यूज करते हैं ना, कि वो आई नो दिस पर्सन इज माय फ्रेंड. नो, माय कॉलीग. ओके, योर कॉलीग टीना. या व्हेन वी हैड अ टॉक टू हर, शी वाज लाइक कि निमित को बाहर होना चाहिए था, या फिर संभल को मैं डिजर्व नहीं करती थी. जब फ्रेंड्स ही ऐसा लाइक कॉलीग ही आपके अगर ऐसे कहते हैं, तो आप नहीं किसी को कहना चाहोगे, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं डिजर्व करती थी इतना जब आपने गेम खेला. करेक्ट. लोगों ने तो ये भी कहा है कि ऐसे ही शांत रह रहे के मंडली का हिस्सा बन के फिर भी इतना आगे बढ़ गई, तो कुछ आप भी उनको एक्चुअली खुश होना चाहिए कि मैं अंदर नहीं, जेन्युइनली उनको इसलिए खुश होना चाहिए, बिकॉज जस्ट बिकॉज मेरे चार दोस्त थे, इसका मतलब ये नहीं था दैट आई नेवर हैड ओपिनियंस. मेरा तरीका प्रॉब्ली बहुत ही अच्छा था उनके नज़रिए में, जो वो भी रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि उनका तरीका काफ़ी मेरे नज़रिए में. एंड नो आई वुड नॉट से दैट अबाउट एनी वन, बिकॉज लाइक आई सेड आई एम नो वन टू डिसाइड. एक शो के पीछे जब इतना ज़्यादा काम किया जाता है तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, एंड वी शुड ऑल रिस्पेक्ट दैट वेयर दे सी वॉट दे सी, एंड दैट्स ओके, इट्स देयर विजन, इट्स देयर शो, एंड आई हैव फुलफिल्ड माई पर्पज, एंड नो आई वुडन्ट से दैट अबाउट. What about जब सलमान से लेके तो उनके मतलब मेरे को फरा मैम आते थे, हाँ, तो वो लाइक शो की तरह होस्ट करते थे, हाँ, आपको कैसा लगा? क्योंकि बहुत से और भी लोगों के ओपिनियंस हमने लिए, कहीं ना कहीं ओपिनियंस बहुत नेगेटिव था कि वो हमारी बात नहीं सुनते थे, हमें अपना बात नहीं रखने देते थे, तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है सिर्फ सलमान से? जेन्युइनली एक बात बोलूँ, दिल से बोलूँगी, फरा मैम जब आई या करण सर जब आए, तब लोगों को फिर भी उनसे बोला जाता था कुछ, यू नो, बिकॉज व्हेन सलमान सर वुड कम वी'ड ऑल बी लाइक डांटना पड़े आज, दैट्स इट. किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं होती है कि आप कुछ बोलो. एंड द अदर होस्ट्स हु हैव कम ऑन द शो हैव बीन सो वार्म. आई डोंट नो व्हाट यू हैव सीन, बट आई हैव सीन अ फर्स्ट हैंड पिक्चर. दे हैव जेन्युइनली बीन वेरी नाइस एंड वेरी स्वीट टू ऑल ऑफ अस. सो या ऐसा कुछ पता है क्या होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि जिस दिन जिसको डांट पड़ रही होती है तो सामने वाला खुश होता है और उनको लगता है कि हाँ सब अच्छा है, और जिस दिन और तब हमें लग रहा होता है कि नहीं यार ये हमें नहीं सुनाना चाहिए. तो आई थिंक लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेनी आनी चाहिए. एक दिन मेरा अच्छा दिन होगा जब आप सब लोग मेरी तारीफ करोगे, और फिर दूसरे दिन मैं कुछ ऐसा करूँगी जिसके लिए आप मुझसे सवाल पूछोगे, एंड दैट्स हाउ लाइफ रन्स. सो अभी अगर कोई शो मिलता है, अगर आपको इस तरीके का शो आप करना पसंद? मेरे को कोई भी काम दे दो, आई एम हंग्री एज एन एक्टर, जस्ट गिव मी वर्क. आई लव हाउ यू आस्क, यू नो लाइक
if you ask me like this, my list would be like, I want to do some series like this or like that. But I just feel that I respect all kinds of work, and I would love to know what's the kind of work that comes my way, and of course then take a call, because kaam se pyar. Whom do you think will be the winner of Big Boss 16 this year? I don't know. Jiski kismat mein likha hoga, usi ko milega. Jiski lakeeron mein likha hua hai, usi ko milega. I don't know. But do I hope? Yes, I hope that at least finale पे मैं दिल से चाहूँगी कि एक साइड पे शिव ठाकरे हो और एक साइड पे MC Stan हो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये दो लड़के ऐसे हैं जो एक कॉमन इंसान को, यू नो, उनसे, इन दोनों लड़कों से एक यूथ और एक कॉमन जनता, एक यू नो लाइक जस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, यू नो, कि आप लोग कहीं से भी आ सकते हो, शायद उन जगहों से, उन सिटीज से जहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी. फॉर एग्जाम्पल अमरावती इन कंपेरिजन टू बॉम्बे और अ मेट्रो, यू नो, यू देर ऑब्वियसली अ डर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. या अगर मैं Stan की जर्नी की भी बात करूँ, आई जस्ट फील कि हर इंसान उन दोनों से और उनकी जर्नी से रिलेट कर सकता है. एंड आई फील फॉर द एसेंस ऑफ दिस शो कि लोगों को इस शो में बिलीफ रहे, यू नो, बिग बॉस में बिलीफ रहे, और जो वो सपना उन्होंने अपनी जर्नी के थ्रू लोगों तक पहुंचाया कि यार आप लोग भी, और इन दोनों लड़कों ने, आई वुड लव टू सी दैट मैजिक हैपनिंग ऑन द फिनाले डे. रेस्ट ऑफ कोर्स जिसकी किस्मत. मेरी एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ नहीं खड़ी हुई हूँ. No, but like, pata chale iske baad I'll put this. No, I'm very excited for the finale. And yes, I have a performance. I'm just kidding. But of course, jo meri feeling hoti, agar main bhi wahan baithi hoti, toh it would have been a little different. But yeah, excited. Very. Thank you.